stands there for a while. Her teacher's cute and kind and has a great big smile. ये करके आप पढ़ोगे. And the best of all, she's got Annie's favorite book up on the shelf. Annie kisses her mother at the door and walks in by herself. आप इस तरह से जब आप पढ़ोगे तो क्या होगा, पता है क्या होगा? बहुत मजा आएगा. पढ़ने में भी मजा आएगा, पढ़ाने सुनने में भी मजा आएगा. जब सब सारे बच्चे मिलके पढ़ोगे तो और मजा आएगा. ठीक, तो ये अब हम लोग फिर क्या बोल समझा रहा हूँ मैं आपको. इट्स अ न्यू डे एट स्कूल. स्कूल का नया दिन होता है. एट अ न्यू क्लास. क्लास फर्स्ट से आप सेकेंड में आए हो तो आप पहला दिन आओगे, क्या होगा, नया क्लास मिलेगा आपको. What new things have you taken along to school? अब नया नया चीज आप स्कूल में क्या लेके आते हो? Write a few in the space below. ये आपको मैं homework दे रहा हूँ. आप स्कूल में आए, कहाँ आए? स्कूल में आए, कुछ चीज लेके आए. क्या चीज लेके आए? What things? What things have you taken? Have you taken along to school? आपको यहां पर मैं दे रहा हूं लिस्ट बनाना. एक, दो, तीन, चार, अब पहले में क्या होगा आपको पता होगा. पहले में क्या होगा, सबसे पहले तो आप बुक्स लेके आते, नया नया बुक्स मिलता है आपको, पढ़ने में मजा आता है. दूसरे में क्या होगा, आप लिखोगे. तीसरे में क्या होगा, लिखोगे. चौथे में, पांचवे में, जितना मैं यहाँ पे बता दे रहा 6, 7, 8 जितना है आपके पास उतना का लिखोगे. ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं नया 9, 10 दे रहा हूँ तो वहां सब आपको पूरा कलम भरना है, ये नहीं भरना है आपको. जहां तक आपका नया नया चीजें व्हिच यू हैव उसको सिर्फ लिखना है. ठीक है, तो क्या लिखना है आप जब लाओगे? व्हाट थिंग्स हैव यू टेकन अलोंग टू स्कूल, मतलब तुम स्कूल में क्या चीज लेके आए, वो आपको लिखना है. पहले आपने क्या लिखा, बुक लिखा. दूसरे आपके पास क्या होगा, पेंसिल होता है, नया पेंसिल होता है. तीसरा क्या होता है, बैग होता है. चौथा क्या होता है, लंच बॉक्स होता है. पांच क्या होता है, वाटर बॉटल होता है. बहुत सारे चीजें होती है आपको वहां पे लिखना पड़ेगा. ठीक, ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ. इसके लिए क्या दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए. आप इसको क्या करोगे, क्लास सेकेंड का जो हम लोग ग्रुप बनाए, क्लास सेकेंड का ग्रुप जो बनाया है वहां पे आप इसको अपलोड करोगे, फोटो खींच के इसको एक चीज को आपको मुझको सेंड करोगे. तब मैं चेक करूंगा कौन बच्चा इस बार नया नया चीज लेके क्लास में आने वाला है. ठीक है, तो अब हम लोग पोएम शुरू करते हैं. आपको पोएम कैसे करके पढ़ना है मैंने बता दिया. एक लाइन करके, एक एक वर्ड करके नहीं पढ़ना है आपको. एन इज, फिर उसके बाद दूसरा वर्ड पढ़ोगे गॉड, फिर उसके बाद ए पढ़ोगे, फिर उसके बाद ब्रांड न्यू पढ़ोगे. ये सही तरीका है, ये सही तरीका नहीं है. आपको पूरा सेंटेंस एक ही बार में क्या करना है, पढ़ना है. कैसे पढ़ोगे, एनी गॉट अ ब्रांड न्यू लंच बॉक्स. ये जब एक सेंटेंस आप पूरा पढ़ोगे तो आपको क्या होगा, पूरा सेंटेंस का मतलब एक ही बार में समझ में आएगा. ठीक, आपको समझ में नहीं आएगा फिर आपका टीचर है वो आपको क्या करेंगे, समझा देंगे, है ना. लेकिन आप घर में बुक, जब आप बुक नहीं लिए हो आप लोग ने, तो घर में क्या करना है, बुक रीडिंग को बहुत ध्यान देना है. आप जितना बुक रीडिंग करोगे उतना आपका पढ़ने का मन लगेगा, आप अच्छी सही तरीके से पढ़ पाओगे. तो शुरू करते हैं. एनी गॉट अ ब्रांड न्यू लंच बॉक्स. अब एनी, मैंने पहले बताया था कौन है, एक लड़की है तो अब स्कूल जाने वाली है, तो उसको क्या मिला है, एक ब्रांड न्यू लंच बॉक्स, मतलब उसको एक नया डब्बा मिला है, टिफिन का डब्बा मिला है. हर शूज आर शाइनी क्लीन. अब जो उसने स्कूल का जूता पहनी है वो क्या है, शाइनी क्लीन, मतलब चमक रहा है, इतना साफ है कि वो उसका जूता चमक रहा है. आप लोग स्कूल जाते हो, स्कूल आते हो तो आपका जूता क्या होता है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए ना. साफ सॉक्स पहनोगे, साफ
सॉक्स पहनोगे, हैंडकरचीफ रहना चाहिए, यू हैव टू हैंडकरचीफ आल्सो, यू हैव टू वाटर बॉटल आल्सो, यू हैव टू कैरी वाटर बॉटल आल्सो, हैंडकरचीफ आल्सो, यू हैव टू वेयर प्रॉपरली योर टाई, आपको टाई बांधना है सही तरीके से। तो बच्चे क्या होता है, हर शूज आर शाइनिंग क्लीन, तो क्या है वो कैनी का जूता जो उसने पहनी है, वो जूता भी क्या है बहुत चमक रहा है। तो शी गॉट अ नाइस न्यू स्कूल बैग, उसको अब जूता चमक रहा है, इतना अच्छा जूता पहनी है जो चमक रहा है, नया लंच बॉक्स मिला है, और साथ साथ में उसको क्या मिला है, शी गॉट अ नाइस न्यू स्कूल बैग, साथ साथ में उसको एक नया स्कूल बैग भी मिला है। एंड पेंसिल बॉक्स दैट्स ग्रीन, और क्या मिला है नया चीज, पेंसिल बॉक्स जो कि कौन सा कलर में है, हरा कलर में। अभी आप लोग को भी अपने आपके मम्मी पापा दिए होंगे नए नए चीज, उसको आप क्या करोगे, संभाल के रखोगे, स्कूल में लेके आओगे, इधर उधर मिसप्लेस नहीं करोगे, मिसप्लेस करोगे आपका वो खो जाएगा, गुम हो जाएगा, फिर आपको क्या होगा, उसके ऊपर पछतावा होगा, अरे मेरा इतना अच्छा पेंसिल बॉक्स था वो क्या हो गया, गुम हो गया बोल के। इसलिए आपको उसको प्रॉपर जगह में रखना है, अपना बैग में रखना है, जो चीजें आपको चाहिए होगा खाली उसको आपको निकालना है। तो दूसरा पैरा पढ़ो, बट सी डज नॉट नो हर टीचर, अब वो स्कूल में जा रही है, वो स्कूल में जाने के लिए उसको क्या क्या मिला है, नया लंच बॉक्स मिला है, चमकदार जूते मिले, नया स्कूल बैग मिला है, नया पेंसिल बॉक्स मिला है जो हरा रंग में है। अब बट सी डज नॉट नो हर टीचर, लेकिन वो अपना टीचर को नहीं जानती है, एनी अपना टीचर को नहीं जानती है। ऑन हर डेस्क विल बी वेयर, अब वो टीचर को नहीं जानती है, साथ में अब जो क्लास में आप पहली बार बैठते हो तो आपको ये पता नहीं रहता है कि आपका जो डेस्क होता है, जो आप यहाँ बैग रखते हो वो कहाँ है, उसको ये भी पता नहीं है, मतलब थोड़ा वो क्या है, नर्वस है। एनी डज नॉट नो इफ शी विल लाइक द किड्स, वो एनी को ये भी पता नहीं है कि उसको जो उसका क्लास के बच्चे उसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी एनी को पता नहीं है। मतलब ऐसा होता है, सबके साथ होता है, जब नए क्लास में जाओगे आपको नया दोस्त बनाना रहेगा, तो ऐसा हेजिटेशन मन में रहता है कि मेरा साथ कौन बैठेगा, मैं कहाँ बैठूंगी या बैठूंगा, मेरा कौन कौन दोस्त बनेगा, मुझको कौन बच्चे पसंद करेंगे, कौन पसंद नहीं करेंगे, ये आपके मन में हमेशा रहता है ना, हेजिटेशन होता है इसको। और इफ यू विल प्ले विद हर, या तुम्हें ये क्या बोल रहा है, वो मेरे साथ खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, ये सबके मन में होता है, आपका मन में भी होता होगा, है ना। हम लोग बच्चे थे हम लोग भी ये सोचते थे जब नया क्लास जाते थे, बहुत सारे नए चीज होते थे, एक्साइटेड उत्साहित होते थे, अरे कब क्लास खुलेगा, लेकिन जब क्लास खुलता था तो क्या होता था कि बच्चे अब हम लोग कहाँ बैठेंगे, अब सबसे अच्छे दोस्त को हम लोग ढूंढते फिरते थे, ओए मेरे साथ बैठो ना, तुम मेरे साथ बैठो ना, हम लोग इधर बैठेंगे, हम लोग उधर बैठेंगे, है ना, आप लोग भी यही करोगे। तो यही सेम चीज वही किसके साथ हो रहा है, एनी के साथ होता है, उसको पता नहीं कि उसका टीचर कौन, उसको पढ़ाने वाले, उसका बैठने के लिए उसका जगह कहाँ है। एनी डज नॉट नो इफ शी विल लाइक द किड, उसको पता नहीं कि उसको बच्चे दूसरे बच्चे पसंद करेंगे और उसके साथ खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, इसलिए एनी बहुत परेशान है। एनी पिक्स इनसाइड द क्लासरूम, अब एनी क्या किया, क्लासरूम के बाहर पहुंच गया और उसने पिक्स यहाँ पे देखिए आप क्या है, ये होमवर्क है हमको करना है, पिक्स, ये जो पिक्स PEEKS पिक्स, ये मतलब आपका गोली खेलने वाला पिक नहीं है, ये पिक्स मतलब होता है झांकना, क्या होता है, क्या होता है, झांकना। अब वे क्लास में आके खिड़की से वो ऐसा करके देख रही है, ठीक है। एनी पिक्स इनसाइड हर क्लासरूम, एनी ने क्या किया, अपना जो क्लासरूम है कक्षा है उसको ऐसा करके खिड़की से देखा। शी स्टैंड्स डियर फॉर अ वाइल, और वहां पे वो थोड़ा देर के लिए वहीं पे वो खड़ी हो गई, मतलब थोड़ा हेजिटेट, मतलब थोड़ा नर्वसनेस की वजह से वो वहां पे वो खड़ी रहेगी। होता है ना ऐसा, कभी आप नए क्लास में जाओगे, नए बच्चे रहेगा, आपको थोड़ा दरवाजे में आप खड़ा रहोगे तब टीचर देखेंगे, आपको बुलाएंगे, है कि नहीं। हर टीचर क्यूट एंड काइंड, अब उसने अपने टीचर को देखा, किसने, एनी ने अपना टीचर को देखा, टीचर कैसी थी, क्यूट एंड काइंड, क्यूट
बहुत सुंदर थी, काइंड मतलब बहुत दयावर, मतलब उस बहुत प्यार करने वाले, बहुत दया दया वाली थी, है ना। एंड हैज अ ग्रेट बिग स्माइल, और साथ साथ में जो टीचर का जो हंसी थी वो बहुत अच्छा था, बहुत प्यारी हंसी थी, मतलब टीचर बहुत अच्छी थी। एंड बेस्ट ऑफ ऑल she's got Annie's favorite book upon the shelf। उनमें से सबसे अच्छा बात क्या लगा उसको एनी को, कि एनी का जो पसंदीदा किताब था वो किताब टीचर ने उसका सेल्फ मतलब डेस्क में रख दिया। एनी किसे शर्मदत एट द डोर, अब क्या क्या एनी क्लास में घुसने के लिए तैयार है। वो एनी को उसका मम्मी छोड़ने आई थी, तो एनी ने क्या किया अपनी मम्मी को प्यार से चुम्बन दिया, ठीक है, और उसके बाद क्या किया वो अपने क्लास में घुस गई। एंड वॉक्स इन बाय हरसेल्फ, वो उसके बाद उसको खुद इतना आत्मविश्वास आ गया कि अब ठीक है मेरा क्लास का टीचर ठीक है, बच्चे ठीक है, मैं वहाँ पर जा सकती हूँ। उसने अब जब बाहर बैठ के किया था तो उसको बहुत उसको पता चल गया कि अब मैं जा सकती हूँ, तो उसने अपने मम्मी को थोड़ा सा प्यार दिया, उसके बाद खुद अपने पैरों से अपने क्लास के अंदर चली गई। तो बच्चों कविता खाली इतना ही है आपका पोएम, योर पोएम इज फिनिश फॉर नाउ। फिर एक बार आपको बता रहा हूँ, एनी गॉट अ ब्रांड न्यू लंच बॉक्स, एनी को क्या मिला है, नया लंच बॉक्स मिला है ना, जैसे कि आप लोग को मिलता है वहाँ पे, आप लोग क्या लाते हैं, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं लंच बॉक्स में खाली लंच बॉक्स लेके आते हैं, उस पर कुछ नहीं होता है, तब हम लोग चेक करते हैं तो उसमें कुछ नहीं मिलता है। और कोई कोई बच्चे क्या करते हैं लंच बॉक्स लेके आते हैं, लेकिन लंच टाइम का पहले वो लंच बॉक्स खाली कर देते हैं और लंच टाइम में इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं। तो हर शूज हर शाइनी थी, जूता भी उसका क्या था बहुत चमकदार था, साफ था, साफ सुथरा एकदम चमकदार था। आप लोग भी स्कूल आओगे हमेशा यह ध्यान रखो, यू हैव टू वेयर योर शूज प्रॉपरली, योर सॉक्स, योर हैंडकरचीफ, योर टाई, योर वाटर बॉटल्स, योर बैग्स, एवरीथिंग, इस बारे में आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। शी इज गॉट अ नाइस न्यू स्कूल बैग, उसको नया स्कूल बैग भी मिला था। एंड अ पेंसिल बॉक्स दैट्स ग्रीन, और जो पेंसिल बॉक्स मिला वो हरा रंग का मिला था, है ना। तो बट सी डज नॉट नो हर टीचर, लेकिन वो अपने टीचर को नहीं जानती थी। ऑन हर डे विल बी वेयर, तो उसको अपने बैठने के लिए जगह भी पता नहीं था। एनी डज नॉट नो इफ शी विल लाइक द किड्स, एनी को पता भी नहीं था कि अब बच्चे उसको पढ़ा पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, और इफ दे विल प्ले विद हर, मतलब उसके साथ खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इसमें थोड़ा एनी को हेजिटेशन था, थोड़ा दिक्कत था, वो समझ नहीं पा रही थी। तो एनी पिक्स इन साइड हर क्लासरूम, इसलिए एनी ने उसने अब क्लासरूम में झांका। तो सी स्टैंड्स डियर फॉर अ वाइल, वो क्या क्या वहाँ पे थोड़े देर के लिए एनी वहाँ पे खड़ी हो गई। हर टीचर्स क्यूट एंड काइंड, टीचर क्या था बहुत सुंदर थी, है ना, दयालु थी। एंड हैज अ ग्रेट बिग स्माइल, साथ साथ में उसका जो उनका जो मुस्कान था बहुत प्यारा था, इनका टीचर का। एंड बेस्ट ऑफ ऑल, सबसे अच्छा बात क्या था उनमें से, शी इज गॉट एनी पसंदीदा सॉरी फेवरेट बुक अप ऑन द सेल्फ, एनी ने उन्होंने क्या किया कि एनी का जो पसंदीदा किताब था उसको उठा के सेल्फ में रख दिया, ठीक है। आप लोगों को कितना अच्छा लगेगा कि आप लोगों को कहानी पढ़ने का मन कर रहा है, तो कोई टीचर आए चलो बच्चा आज कहानी पढ़ते है ना, तो आप लोगों को कितना मजा आएगा। तो एनी किसे शर्मदत एट द डोर, तो उसके बाद एनी ने क्या क्या अपना मम्मी को थोड़ा सा प्यार दिया, और एंड वॉक्स इन बाय हरसेल्फ, और क्या क्या वो अकेली अपना क्लास में घुस गई। सो बच्चों द पोएम फिनिश फॉर टुडे, तो नेक्स्ट चैप्टर इज आवर दैट इज लॉकी गुड सॉरी लूसीज गुड बुक, दिस चैप्टर इज अ स्टोरी विच इज वेरी फनी। नेक्स्ट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू, और उसके बाद हम इस कहानी को बहुत मजा लेंगे, ठीक है। तो चैप्टर टू अब हम लोग जब नेक्स्ट मीटिंग होगा मेरा आप लोग से तब पढ़ेंगे। तो आपको मैंने अभी क्या सिखाया, सबसे पहले तो मैंने आपको पोएम कैसे पढ़ा जाता है वो सिखाया, है ना,
और नया क्लास का एक्सपीरियंस अनुभव सिखाया। नया क्लास में बच्चे जाते हैं तो क्या करते हैं, मस्ती करते हैं, कोई बच्चे एजिटेट मतलब उसको थोड़ा परेशानी होता है, ये सब सिखाया। तो बच्चों आप लोग घर में ध्यान दीजिएगा, जो होमवर्क दिया है वो आपको करना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मीटिंग में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।